नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लैक्टेज एंजाइम के बारे में। एक रिक्वेस्टेड वीडियो था और मुझे काफ़ी लेट हो गया इस पे वीडियो बनाने में, तो सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लैक्टेज एंजाइम, सो लैक्टेज एंजाइम एज नेम सजेस्ट इट्सेल्फ इज अ एंजाइम, और एंजाइम कभी भी डाइजेशन में काम आता है। अब लैक्टेज एंजाइम है तो ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लैक्टोज कहाँ मिलता है? लैक्टोज हमें मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। जो पेशेंट को लैक्टोज से प्रॉब्लम है, यानी कि जो पेशेंट लैक्टोज इनटॉलरेंट है, जो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको लैक्टोज या जैसे कि दूध या दूध से बने हुए चीज़ों का सेवन करते ही उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि ब्लॉटिंग होता है, पेट में क्रैम्स होते हैं, पेट फूल जाता है, या लूज़ मोशंस होने लगती है, या मतली आती है, या फिर उल्टी भी हो सकती है, उन लोगों में लैक्टेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। सो हेंस लैक्टेज एंजाइम्स हेल्प्स इन लैक्टोज डाइजेशन, देयरफॉर गिवन इन लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट। सो नॉर्मली दोस्तों, लैक्टेज एंजाइम हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, बट कई बार ऐसा सिचुएशन देखा गया है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या इंटेस्टिनल के प्रॉब्लम के वजह से या कोई भी रीज़न के वजह से, जब ये एंजाइम इनएडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है या फिर डिज़ायर्ड क्वांटिटी, जितना हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती है, तब ये प्रॉब्लम होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। यानी कि इस एंजाइम का जो रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का, वो प्रॉब्लम हमें हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ की डिफिशेंसी है। सो हम उसे सप्लीमेंट फॉर्म में ऊपर से लैक्टेज एंजाइम देते हैं ताकि वो लैक्टोज को टॉलरेट कर सके, उसे डाइजेस्ट कर सके और उसे कोई कंप्लेंट्स ना हो। कई बार हमने न्यूबॉर्न्स बेबी में देखा है कि बच्चे दूध पीते ही उसे फेंक देते हैं, उल्टी कर देते हैं, या फिर उनको इंडाइजेशन के रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बच्चा क्रैंकी होता है, रोता है, पेट फूल जाता है, लूज मोशंस करने लगता है। सो डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं सबसे पहले कि उसको ये जो लूज मोशंस है या डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स है दूध पीने के बाद, वो लैक्टेज एंजाइम के डिफिशेंसी के वजह से है या फिर कोई और रीज़न है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तब डॉक्टर्स इस लैक्टेज एंजाइम का रिकमेंडेशन देते हैं। सो लैक्टेज एंजाइम दोस्तों मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड नेम्स से अवेलेबल है। यामो है, मैक्टेज है, न्योस्माइल है, एंड अगेन देर आर सो मेनी ब्रांड्स अवेलेबल इन अ बॉटल। ड्रॉप फॉर्म में होता है, 15 ml का बॉटल अवेलेबल होता है। 4 से 5 बूंद बच्चों को दूध फॉर्मूला फीड में मिला के दिया जाता है, या फिर अगर आप माँ का दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, जब हम फीड करने बैठते हैं तो बच्चे को पहले 4-5 बूंद हो दे सकते हैं, या फिर माँ के दूध में 1-2 चम्मच में मिला के उसे पिला सकते हैं। दोस्तों एग्जैक्ट डोज के लिए डेफिनेटली आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। आप अपने बच्चों को सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल भी ना करें, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए होता है, सो प्लीज़ इसे मिसयूज़ ना करें। दोस्तों अगर कोई एडल्ट पेशेंट है और उसे लैक्टोज इंटॉलरेंट का प्रॉब्लम है, तो वो एक चीज़ कर सकते हैं, या तो वो लैक्टोज वाले जो भी डाइट है, दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो लैक्टोज फ्री फार्मूलाज भी मार्केट में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट एज वेल। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द लैक्टेज एंजाइम। आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किया है। अगर कुछ रह जाता है, कुछ मिस हो गया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।